वेलकम टू फूड टाइम इजी रेसिपी। आज हम बनाएंगे पॉम्पलेट फिश फ्राई। पर देखिए, हमने एक पॉम्पलेट फिश ली है, हमने इसे धोकर अच्छी तरह से वॉश कर। अब हम इसे कट करेंगे, कट्स लगाएंगे हम इसके ऊपर। इस तरह से हमने इसमें कट्स लगा लिए हैं ताकि इसके अंदर मसाला अच्छी तरह से चला जाए। अंदर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। अब साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 स्पून टर्मरिक पाउडर और थोड़ा सा नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे हम। अब हम इसके अंदर 2 नींबू का रस निचोड़ेंगे। इस तरह से हम 2 नींबू का रस इसके ऊपर निचोड़ लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पूरे फिश के अंदर लगा देंगे। कर्ड्स के अंदर भी लगाएंगे ताकि मसाला पूरा फिश के अंदर अच्छी तरह से चला जाए। इस तरह से कर्ड्स के अंदर भी हम लगाएंगे कि फिश के अंदर अच्छी तरह से पूरा मसाला चले जाए हमारा। अब हम इस मसाले को लगाकर इस फिश को कम से कम 20 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर ऐसे ही रख देंगे। फिर इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने एक पैन लिया है, पैन के अंदर हम फिश डालेंगे जिसको हमने मैरिनेट करके रखा था। हमने इसको 2 घंटे रख दिया था फ्रिज के अंदर और ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। आप चाहे तो और कम टाइम के लिए भी कर सकते हो। यहाँ पर हमने इसे फ्राई करने के लिए रख दिया है। ये एक साइड से अच्छी तरह से जब तक फ्राई हो जाए तब तक हम उसे पलटाएंगे नहीं। ये देखिए, फिश एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, हमने इसे पलट दिया है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे इसे। ये देखिए, यहाँ फिश बनकर रेडी हो गई है, हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने फिश को निकाल कर अच्छे से प्लेटिंग कर ली है इसकी और हमारे फिश फ्राई बनकर रेडी हो गई है। एंजॉय करें मेरी रेसिपी को। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।